देखिए शुभ शगुन सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो शगुन, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। चाचा और फूफा ने अपनी सारी हदें पार कर दी है और ये जो सब हो रहा है ना, ये सबके पीछे वो दोनों है। पर सर, वो दोनों तो ऑलरेडी जेल में है ना। मुझे एक जन्म में कितने दुख उठाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ उनसे बात करने जा रहा हूं, देखते हैं। जीजा जी, एक मिनट। एक एहसान करके जाइए मुझ पर, ये पेपर्स पे साइन करके जाइए। सुबह से लेके घूम रहा हूं। ये इन सब चीजों का वक्त नहीं है यक। यार आप तो जानते ही हैं, बिजनेस चलाना आसान नहीं, हर एक सेकंड, हर एक मिनट का लॉस हो रहा है। मैन कम ऑन, आपका साला हूं, इतना तो भरोसा कीजिए। चलिए साइन कीजिए। सर एक बार पढ़ तो लीजिए। युग ने पढ़ लिया ना, तो मैंने भी पढ़ लिया, एक ही बात है। बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है तुझे। नैना की दवाइयां निकाल रही हो? हाँ, गुड। वैसे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, बड़ी अजीब सी हो तुम। कितना कुछ किया उस नैना ने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उसकी चिंता करना नहीं छोड़ोगी। रुको, नव्या तो बच्ची है, उसने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें इस घर से 40 घंटे में निकालेगी, पर नहीं निकाल पाई। लेकिन मैं तुझे 48 घंटों में मैं इस घर से बाहर निकालूं। ठीक कहा आपने चाची, नव्या तो बच्ची है ही, पर आप, आपने उम्र में बड़े होके एक ऐसी लड़की का फायदा उठाया जो दिमाग से कमजोर है। और हाँ, तजुर्बा मुझे भी है। और कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको इस घर से निकलना पड़े। तजुर्बा, शायद तुम भूल रही हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा है। वैसे नैना और शुभ एक ही कमरे में रहते हैं ना, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, है ना? आज की रात अगर उन दोनों की सुहाग रात ना बनवा दी ना मैंने, तो मेरा नाम सुपरस्टार बिंदु नहीं। शुभ सर तुम्हारे पति है, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना कि वो मेरे पति भी हैं। मैं अपना हक कैसे दे दूं तुम्हें? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो। एकदम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ करती हूँ, तो मेरा शुभ परेशान हो जाता, बहुत परेशान हो जाता, और मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। तुम बस जाओ, जाओ ना, जाओ ऐसे, जाओ, 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 जाओ ऐसे, जाओ, जाओ। काम हो गया ना? काम तो हो ही जाएगा, लेकिन सोच लीजिए इस चक्कर में आपका काम तमाम ना हो जाए। शुभ जायसवाल का सब कुछ हड़प लिया है आपने, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तो काम करो। भैया
ये सब साफ कर देते हैं और जो भी जल गया ना सामान वो कचरे में फेंक देते हैं। हाँ युग, ताई क्या कर रही है? कुछ नहीं, किचन की सफाई करवा रही हूँ। आज के बाद तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब भैया? ताई सब कुछ बदलने वाला है। मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ ताई, बहुत बड़ा। से पाने के लिए मुझे तेरी परवरिश थोड़ी देर के लिए भूलनी पड़ी। ऐसा क्या करने वाला तू युग? तुझे तेरा हक दिलाने के लिए शुभ जायसवाल के सारे हक छीनने वाला हूं मैं। जो पेपर्स मैंने उसमें साइन कराए थे ना, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थे। अगले 20 मिनट में शुभ जायसवाल की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मेरे नाम होने वाला है। युग, तेरा दिमाग खराब हो गया? ये क्या बोल रहे तू? तू ऐसा नहीं कर सकता। युग, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरा भाई है ना, तू मेरी बात सुन। ये सब कुछ तेरा नहीं है, ये शुभ सर का है। देख, तू मेरा भाई है ना, प्लीज तू ऐसा मत कर। जो भी कर रहे हैं तो बस रुक जा, प्लीज मत कर ऐसा। रुकना तो जीजा जी को पड़ेगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उनकी गलती को सही करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। बाय ताई। युग, मेरी बात सुन। युग, शुभ सर, क्या संगल? क्या हुआ? नैना ठीक है ना? अरे नैना गई बाहर में, बहुत कुछ गलत होने वाला है, मुझे तुझे बस बताना था। मैंने शगुन को युग से बात करते हुए सुना, उस दिन आओ देखा ना था और घर के बाहर भाग गए। लेकिन कहाँ? अरे पता नहीं, वो युग को बोल रही थी कि ये सब कुछ शुभ सर का है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। सुन, तूने सुबह पेपर साइन किया था ना, तूने पढ़े नहीं ना? याद कर, तूने कुछ देखा उस पर क्या लिखा था? बोल ना, याद कर। ये युग कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है, ये दोनों भाई बहन मिलकर ना हमारे साथ कुछ। दादी, शगुन पर एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। टेमू, बधाई हो मिस्टर युग, शुभ जायसवाल की सारी जायदाद के मालिक आप बन गए। शुभ जायसवाल की पूरी जायदाद आपके नाम हो गई।